Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is NASA Perseverance Rover. तो हम जानेंगे NASA के Perseverance Rover के बारे में. NASA Perseverance Rover has successfully collected its first rock sample for return to Earth. NASA has called it perfect core sample. नासा का जो प्रेवरेंस रोवर है उन्होंने सक्सेसफुली कलेक्ट कर लिया पहला रॉक सैंपल को रिटर्न लाने के लिए अर्थ पे और नासा ने कहा है इसको कि ये परफेक्ट कोर सैंपल है. नासा प्लान टू लॉन्च मोर स्पेसक्राफ्ट टू रिट्राइव द सैंपल कलेक्टेड बाय प्रेवरेंस. नासा ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे और स्पेसक्राफ्ट को ताकि वो रिट्राइव कर सके सैंपल को जो कलेक्ट किया गया है प्रेवरेंस के द्वारा. प्रेवरेंस अराइव इन फरवरी 2021 एट मार्स जेजेरो कार्टर्स द साइट ऑन एन एंशियंट लेक इन सर्च ऑफ रॉक दैट माइट होल्ड एविडेंस ऑफ एंशियंट लाइफ. प्रिजर्वेरेंस जो है वो अराइव किया था फरवरी 2021 में मार्स के जेजेरो क्रेटर पे जो कि साइट है एक एंशियंट लेक का ताकि वहां पर सर्च किया जा सके रॉक को जहां पे होल्ड एविडेंस ऑफ एंशियंट लाइफ का. क्यों ये मिशन जो है नासा का प्रिजर्वेरेंस रोवर का मार्स मिशन जो है क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है. इट कैरी द यूनिक इंस्ट्रूमेंट मॉक्सी और मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट विच फॉर द फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऑन मार्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमोस्फेयर. ISRU means in situ resource utilization or the use of local resource to meet human need or requirement of the spacecraft. ये जो है इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने कैरी किया है एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट मॉक्सी को जिसको कि हम मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं जो कि पहली बार मैन्युफैक्चर करेगा मॉलिकुलर ऑक्सीजन को मार्स पे यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ एटमोस्फेयर के मदद से. जो ISRU है इसका मतलब है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या यूज करना लोकल रिसोर्स का ताकि पूरा किया जा सके ह्यूमन के नीड या रिक्वायरमेंट को स्पेसक्राफ्ट पे. ये जो है कैरी कर रहा है इंजेन्यूटी को जो कि पहला इवर हेलीकॉप्टर है जो फ्लाई करेगा मार्स पे. इट इज प्लान फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग बैक रॉक सैंपल फ्रॉम मार्स फॉर एनालिसिस इन सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज ऑन अर्थ विद द गोल ऑफ लुकिंग फॉर बायो सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ प्रेजेंट और पास्ट लाइफ. इसको प्लान किया गया है कि ये पहला स्टेप है कि वो वापस लाएंगे रॉक के सैंपल को मार्स से उनको एनालाइज किया जाएगा सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज में अर्थ के ताकि उनका गोल है कि वो बायो सिग्नेचर को खोज सके प्रेजेंट और पास्ट लाइफ के. कुछ जो मिशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है तो पहला तो लुक फॉर साइंस ऑफ एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ कि वो साइन खोजेंगे एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ का. कलेक्ट मार्शियन रॉक एंड डस्ट सैंपल फॉर रिटर्न रिटर्न टू अर्थ. कलेक्ट करेंगे मार्शियन रॉक को और डस्ट के सैंपल को लेटर रिटर्न जब वो आएंगे अर्थ में उस समय. डिलीवर एन एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर डिलीवर करेंगे एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर को. स्टडी द क्लाइमेट एंड जियोलॉजी ऑफ मार्स स्टडी करेंगे मार्स के क्लाइमेट और जियोलॉजी को. डिमॉन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर मार्स मिशन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे टेक्नोलॉजी को फ्यूचर मार्स मिशन के लिए. रीजन क्या है नियर टर्म इंटरेस्ट को लेकर मार्स का तो मार्स इज लोकेटेड नियर द वेरी नियर बैकयार्ड अबाउट 200 मिलियन किलोमीटर है वो जो मार्स है वो लोकेटेड हमारे काफी नियर बैकयार्ड में जो कि हमारे 200 किलोमीटर अवे है हमसे. इट इज ए प्लेनेट दैट ह्यूमन कैन एस्पायर टू विजिट और टू स्टे फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन. ये एक प्लेनेट है जहां पर ह्यूमन एस्पायर करते हैं कि विजिट कर सकते हैं व स्टे कर सकते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन तक. Mars has flowing water and an atmosphere in the distant past and perhaps condition to support life. Mars में flowing water और atmosphere था distant past में और perhaps condition हो सकता है जो support करे life को. It also has implication for commercial travel. और इसका implication commercial travel के लिए भी हो सकता है इसलिए कुछ ज्यादा focus किया जा रहा है Mars के ऊपर. Next topic है हमारा Blue Grant Scheme. तो हम जानेंगे ये Blue Grant Scheme है क्या. 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल किक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव मेजर्स सच एज एकेडमिक क्रेडिट बैंक एंड द ग्लू ग्रांट मीन टू इनकरेज मल्टी डिसिप्लिनरी इन यूजी कोर्सेज. जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो किक ऑफ करेंगे इम्प्लीमेंटेशन इनोवेटिव मेजर्स का जैसे कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक हो गया या ग्लू ग्रांट मीन हो गया ताकि इनकरेज किया जा सके मल्टी डिसिप्लिनरी को यूजी कोर्सेज में. ग्लू ग्रांट स्कीम अंडर द ग्लू ग्रांट अनाउंस इन दिस ईयर बजट इंस्टीट्यूशन इन द सेम सिटी वुड बी इनकरेज टू शेयर रिसोर्सेज इक्विपमेंट एंड इवन अलॉट देयर स्टूडेंट टू टेक क्लासेस फ्रॉम ईच अदर. जो ग्लू ग्रांट है उसके अंतर्गत जिसको कि अनाउंस किया गया था इस साल के बजट में इंस्टीट्यूशन जो होंगे सेम सिटी में वो इनकरेज करेंगे शेयर करेंगे रिसोर्स को इक्विपमेंट को और इवन अलाउ करेंगे स्टूडेंट को जो क्लासेस ले सकते हैं एक दूसरे पे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी ये पहला स्टेप होगा मल्टी डिसिप्लिनरी का. दे इंटेंड टू स्टार्ट दिस फॉर्म द सेकेंड सेमेस्टर ऑफ द करेंट एकेडमिक ईयर. उनका इंटेंशन है कि वो स्टार्ट करें इसको सेकेंड सेमेस्टर से करेंट एकेडमिक ईयर के. अल्टीमेटली फैकल्टी विल बी एबल टू डिजाइन जॉइंट कोर्सेज
कोर्सेज, पर अल्टीमेटली जो फैकल्टी होंगे वो एबल होंगे डिजाइन करने के लिए ज्वाइंट कोर्सेज को. दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंस्टीट्यूशन नीड नॉट डुप्लीकेट वर्क बाय डेवलपिंग दी सेम कैपेसिटी बट वुड बी एबल टू बिल्ड ऑन ईच अदर एक्सपर्टाइज. इसका मतलब हो कि अब इंस्टीट्यूशन जो है उनको आवश्यकता नहीं होगी डुप्लीकेट वर्क करने का डेवलप करने के लिए सेम कैपेसिटी को, बल्कि वो बिल्ड कर सकेंगे न्यू अदर एक्सपर्टाइज को. क्रेडिट बैंक क्या है इसके बारे में भी समझते हैं. The first step would be the academic credit bank, which have to be adopted separately by the academic council of each university to kick off implementation. सबसे पहले तो academic credit bank की आवश्यकता होगी जिसको कि जो कि adopt करेगा separately academic council को हर एक university का, ताकि kick off किया जा सके इसके implementation को. To start with, the system would allow a student to attend qualification by amassing credit rather than a specific duration on campus. Start करने के लिए इसको ये जो system है वो allow करेगा student को कि वो attend कर सकेंगे qualification को amassing credit के माध्यम से, ना कि specific duration on campus के अनुसार. A certain number of credit would add up to a certificate, then a diploma and then a degree, allowing for multiple entry and exit point. और जो सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट होगा वो एडप्ट करेगा सर्टिफिकेट के लिए, डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए, या अलाउ करेगा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन देगा स्टूडेंट को. स्टूडेंट जो है वो अब अर्न कर सकेंगे 40% अपने क्रेडिट को ऑनलाइन स्वयं क्लासेस के माध्यम से, ना कि उनको फिजिकल क्लासरूम में प्रेजेंट रहना होगा. और फ्यूचर में ये जो क्रेडिट है वो होल्ड होगा वैलिडली अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, इसका वैलिडिटी होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निपा वायरस, तो इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, फिर से देखेंगे क्यों आया न्यूज में. आफ्टर अ गैप ऑफ ओवर 3 इयर्स अ केस ऑफ जूनोटिक निपा वायरस इन्फेक्शन हैज बीन रिपोर्टेड इन द कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. 3 साल के गैप के बाद जो केस है जूनोटिक निपा वायरस इन्फेक्शन का, ये रिपोर्ट किया गया है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में केरला के. What measures are being taken to control the spread of virus? क्या measures लिया गया है ताकि control किया जा सके spread को virus का? तो जो contact list है 188% का, जिसमें majority of them जो है वो हेल्थ केयर वर्कर है, उसको तैयार कर लिया गया है. सिम्टोमेटिक पर्सन को शिफ्ट कर दिया गया हॉस्पिटल पे. At a time when there is a relentless surge in COVID-19 infection in Kerala, accounting for a lion's share of the nationwide case load, the return of the dreaded Nipah virus to the state is a cause for major concern. ऐसे समय पे जब जहां पे relentless surge देखा गया है COVID-19 के केसेस का केरला पे, लायन शेयर जो है नेशन का जो सबसे बड़ा शेयर जो है वो केरला पे ही पाया जा रहा है COVID-19 इन्फेक्शन का. अब ऐसे समय में जो डिग्रेडेड निपा वायरस का आगमन जो हुआ है स्टेट में, ये एक चिंता का विषय है. This is the time for center and state government to take up containment measures with mutual trust and coordination. ये समय है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक साथ कंटेनमेंट मेजर्स ले, म्यूचुअल ट्रस्ट करे एक दूसरे में और साथ में कोऑर्डिनेशन बना के काम करे. There are urgent steps that need to be taken jointly, including contact tracing, quarantine, isolation, collection and transportation of sample for lab testing and a detailed study of the surrounding areas by National Center for Disease Control from an epidemiological standpoint. बहुत आवश्यकता हो चुकी है कि जॉइंटली एक्शन लिया जाए जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल फॉर लैब टेस्टिंग और जो डिटेल स्टडी है सराउंडिंग एरिया का किया जाए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा इस एपिडेमियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से. निपा है क्या? तो निपा एक ज़ूनोटिक वायरस है. ये ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमन को. इट फर्स्ट ब्रोक आउट इन मलेशिया एंड सिंगापुर इन 1998 एंड 1999. ये पहली बार हुआ था मलेशिया और सिंगापुर पे 1998 और 1999 के दौरान पे. इस फर्स्ट अपीयर इन डोमेस्टिक पिग. सॉरी, ये पहली बार पाया गया था डोमेस्टिक पिग में और उसके बाद पाया गया बहुत सारे स्पीसीज में डोमेस्टिक एनिमल का, जैसे कि डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, शिप, इनमें भी पाया गया. स्प्रेड कैसे होता है ये निपा वायरस? The virus is transmitted to people from animal and can also be passed on through contaminated food or directly from person to person. ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है पीपल को एनिमल के द्वारा और ये पास हो सकता है कॉन्टेमिनेटेड फूड के माध्यम से भी और डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन भी ये इन्फेक्ट हो सकता है. फ्रूट बैट आर कंसिडर टू बी अ नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ दिस वायरस. और जो फ्रूट बैट है उनको माना जाता है कि वो नेचुरल रिजर्वोयर है इस वायरस के. सिम्टम्स क्या है निपा वायरस का? सिम्टम्स इंक्लूड एक्यूट इंसेफेलाइटिस एंड रेस्पिरेटरी इलनेस. सिम्टम्स जो है वो इंक्लूड करता है एक्यूट इंसेफेलाइटिस और रेस्पिरेटरी इलनेस को. प्रिवेंशन इसका क्या है? अभी फिलहाल कोई भी वैक्सीन नहीं है ह्यूमन या एनिमल्स के लिए निपा वायरस के लिए. इंटेंसिव सपोर्टिव केयर दिया जाता है ह्यूमन को जो कि इन्फेक्टेड होता है निपा वायरस से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनासोर फुटप्रिंट फाउंड इन थार डेजर्ट. तो डायनासोर है उनका फुटप्रिंट पाया गया थार डेजर्ट में, जिसके बारे में हम जानेंगे.
In a major discovery, footprint of three species of dinosaur have been found in Thar Desert in Rajasthan, Jaisalmer district. एक मेजर डिस्कवरी में जो फुटप्रिंट है तीन स्पीशीज के डायनासोर का उसको पाया गया है थार डेजर्ट में राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में. तो कहां से पाया गया है? तो थार डेजर्ट में राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में. तो जो डिटेल्स है फुटप्रिंट का इसको हम कंसीडर करते हैं. द फुटप्रिंट मेड इन द सेडिमेंट और सिल्ट ऑफ द सी शोर लेटर बिकम परमानेंटली स्टोन लाइक. जो फुटप्रिंट जो कि सेडिमेंट या सिल्ट में थे सी शोर के वो बाद में परमानेंटली स्टोन लाइक बन गए हैं. दे बिलोंग टू थ्री स्पीसीज ऑफ डायनासोर. ये बिलोंग करते हैं तीन स्पीसीज को डायनासोर के. पहला आपका यूब्रोन्टेस सीएप गिगेंटस, दूसरा आपका यूब्रोन्टेस ग्लेनोरेसेंसिस और तीसरा आपका ग्रेलेटोर टेन्यूस. जो गिगेंटस और ग्लेनोरेसिस स्पीसीज है वो 35 सेंटीमीटर का फुटप्रिंट है, जबकि जो फुटप्रिंट है तीसरा स्पीसीज का वो 5.5 सेंटीमीटर का है. द डायनासोर स्पीसीज आर कंसिडर टू बी द थेरोपोड टाइप विथ द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ होलो बोन एंड फिट विथ थ्री डिजीज. जो डायनासोर का स्पीसीज है उसको कंसिडर किया जाता है कि वो थेरोपोड टाइप के है और इसका जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो उसका होलो बोन है और फिट है जिसमें थ्री डिजीज होते हैं. ऑल थ्री स्पीसीज बिलोंगिंग टू द अर्ली जुरासिक पीरियड वेयर कार्निवोरस. और ये जो तीनों स्पीसीज पाए गए हैं ये बिलोंग करते हैं अर्ली जुरासिक पीरियड को और ये तीनों ही कार्निवोरस है. यूब्रोन्ट कुड हैव बीन 12 टू 15 मीटर लॉन्ग एंड वेट बिटवीन 500 केजी एंड 700 केजी वाइल द हाइट ऑफ ग्रेलेटर इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन 2 मीटर एज मच एज ह्यूमन विद अ लेंथ ऑफ अप टू 3 मीटर. जो यूब्रोन्ट स्पीसीज है उसका जो हाइट है वो 12 टू 15 मीटर वो लॉन्ग होते हैं. इनका वेट 500 केजी से 700 केजी के अप्रोक्स होता है, जबकि जो हाइट है ग्रेलेटर का वो एस्टिमेट किया जा रहा है वो 2 मीटर है जितना कि ह्यूमन का होता है, जबकि लेंथ जो है उनका 3 मीटर तक है. की फाइंडिंग क्या किया गया है डिस्कवरी? तो द डिस्कवरी ऑफ डायनासोर फुटप्रिंट प्रूव द प्रिजर्वेंस ऑफ द जाइंट रेप्टाइल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट विच फॉर्म द सीशोर ऑफ द टेथिस ओशियन ड्यूरिंग द मेसोजोइक ईरा. जो डिस्कवरी किया गया है डायनासोर के फुटप्रिंट का ये प्रूव करता है प्रेजेंट जाइंट रेप्टाइल का वेस्टर्न पार्ट में स्टेट के, जो कि फॉर्म करता है सीशोर को टेथिस ओशियन पे मेसोजोइक ईरा के दौरान. Careful geological observation enabled the scientists to interpret ancient environment in which the rock of footprint which were once soft sediment were deposited. और जो केयरफुल जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है ये इनेबल करता है साइंटिस्ट को कि वह इंटरप्रेट करे एंशियंट एनवायरमेंट को इस रॉक के फुटप्रिंट पे जो कि एक समय सॉफ्ट सेडिमेंट था जब डिपोजिट हुआ था. जियोकेमिकल एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ वेदरिंग इंडिसेस सो दैट द हिंटरलैंड क्लाइमेट वॉज सीजनल टू सेमी एरिड ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ द फुटप्रिंट. और जो जियोकेमिकल एनालिसिस है और जो कैलकुलेशन किया गया है वेदरिंग के इंडिसेस को ये बताता है कि जो हिंटरलैंड का क्लाइमेट है वो सीजनल से सेमी एरिड था जब डिपोजिशन हुआ था फुटप्रिंट का. फील्ड वर्क इन दी कच्छ एंड जैसलमेर बेसिन हैज सजेस्टेड दैट आफ्टर द मेन ट्रांसग्रेशन ड्यूरिंग द अर्ली जुरासिक पीरियड द सी लेवल चेंज सेवरल टाइम. और जो फील्ड वर्क है कच्छ और जैसलमेर बेसिन के ये सजेस्ट करता है कि मेन ट्रांसग्रेशन के दौरान अर्ली जुरासिक पीरियड के सी लेवल जो है वो चेंज किया है बहुत बार. स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेडिमेंट एंड ट्रेसेस ऑफ फॉसिल्स एंड पोस्ट डिपोजिशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड एन इंडिकेशन टू दिस फिनोमिनन. और जो स्पेशियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है सेडिमेंट का और जो ट्रेसेस पाए गए हैं फॉसिल और पोस्ट डिपोजिशन स्ट्रक्चर में ये प्रोवाइड करते हैं एक इंडिकेशन को इस फिनोमिनन का. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? These stress fossils are significant to ascertain how life is started and evolved after the mass extinction of species, including dinosaur, at the end of Cretaceous period around 65 million years ago. ये जो ट्रेस है फॉसिल का ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये बताता है किस तरीके से लाइफ स्टार्ट हुआ था, इवॉल्व हुआ था मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज के बाद जिसमें डायनासोर भी आते हैं एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो. दिस रिसर्च ऑल्सो इलुस्ट्रेट द एविडेंस ऑफ फ्लूवियल फ्रेश वाटर पैलियो इन्वायरमेंट एंड ट्रॉपिकल पैलियो क्लाइमेट इंडिकेटिंग द प्रिजर्वेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ह्यूज नेटवर्क ऑफ रिवर. और ये जो रिसर्च है ये इलुस्ट्रेट कर रहा है एविडेंस को फ्लूवियल फ्रेश वाटर पैलियो इन्वायरमेंट और ट्रॉपिकल पैलियो क्लाइमेट का, जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ह्यूज नेटवर्क ऑफ वाटर का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट एंड देयर बेनिफिट. जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट और जो उसका बेनिफिट हम इसको समझेंगे. इंडिया जो है तैयार है कंक्लूड करने के लिए बायलेटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को रशिया के साथ. रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है इसका नाम. जैसे ही एग्रीमेंट हो जाएगा यूके के साथ जो एग्रीमेंट है वो फाइनल स्टेज में है, उसके बाद ये रशिया के साथ भी कर रहा है. ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होता है क्या जो भारत अलग अलग कंट्री के साथ कर रहा है? तो ये जो एग्रीमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होता है जो कि फैसिलिटेट करता है एक्सेस को मिलिट्री फैसिलिटी का एक्सचेंज के लिए फ्यूल और प्रोविजन का म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ. ये सिंप्लीफाई करता है लॉजिस्टिकल सपोर्ट को, इंक्रीज करता है ऑपरेशनल टर्न अराउंड को मिलिट्री का जो कि ऑपरेट कर रहे हैं अवे इंडिया से.
इंडिया ने साइन किया है बहुत सारा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को सारे ही क्वाड कंट्रीज के साथ, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया के साथ भी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है यूएस के साथ 2016 में। बेनिफिट क्या है ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का? द नेवी हैज बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट साइन विद सेवरल कंट्रीज, इंप्रूविंग ऑपरेशनल टर्न अराउंड एंड इंक्रीजिंग इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ द हाई सी। जो नेवी है उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का जो कि साइन किया गया है अलग अलग कंट्रीज के साथ। ये इंप्रूव करता है ऑपरेशनल टर्न अराउंड को, इंक्रीज करता है इंटर ऑपरेबिलिटी को हाई सी पे। ये लिमोवा क्या है? ये एक ट्विक इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट एलएसए का, जिसमें यूएस जो है अपने सेवरल कंट्रीज के साथ क्लोज मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन करते हैं। ये जो है वन ऑफ द थ्री फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जिसको रिफर किया गया था यूएस के द्वारा। लिमोवा एक्सेस देता है दोनों कंट्री को डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटी को आइडल साइट पे, पर्पज के तौर पर रिफ्यूलिंग व रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है इस एग्रीमेंट के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमएलए फोरम टू टेक आउट माइग्रेशन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो जो एमएलए फोरम है जो कि चेक करेगा आउट माइग्रेशन को अरुणाचल प्रदेश, हम इसके बारे में जानेंगे। दी एमएलए ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिप्रेजेंटिंग कंस्टिट्यूएंसी बॉर्डरिंग टिबेटन चाइना हैव फॉर्म्ड ए फोरम टू प्रिवेंट आउट माइग्रेशन ऑफ विलेजर एंड मॉडिफाई द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम टू सिट लोकल नीड। जो एमएलए है अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जो रिप्रेजेंट करते हैं कंस्टिट्यूएंसी को जो कि बॉर्डर करता है टिबेटन चाइना एरिया को, उन्होंने फॉर्म किया है एक फोरम को ताकि रोका जा सके आउट माइग्रेशन को विलेजर का और मॉडिफाई किया जा सके बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो कि सूट करेगा लोकल नीड को। जरूरत क्यों पड़ा ऐसा स्टेप लेने का? तो पीपल जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज की तरफ जहां पे अरुणाचल प्रदेश व उसके बियॉन्ड लाइवलीहुड के लिए बहुत सारे विलेजर जो है वो ऑलमोस्ट अबैंडन हो चुके हैं आज। बिसाइड अ डिकेड ओल्ड प्लान ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर बॉर्डर एरिया रेसिडेंट एज ए लाइन ऑफ डिफेंस हैज नॉट गॉन वेल। और डिकेड से जो प्लान था स्टेट गवर्नमेंट का कि वो तैयार करेंगे बॉर्डर एरिया रेसिडेंट को एक लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे, ये नहीं ढंग से काम कर सका। और जो बीएडीपी है वो इम्प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया अनक्लियर गाइडलाइंस के कारण, ये भी एक रीजन रहा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में अब हम समझ ले। तो जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है बीएडीपी, इसको इनिशिएट किया गया था वेस्टर्न रीजन पे 7-5 ईयर प्लान के दौरान 1985 से 1990 के दौरान, और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया अदर रीजन के लिए भी। ये जो प्रोग्राम था ये कवर कर रहा था 456 ब्लॉक को 119 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी पे, जो कि एब्यूट कर रहा था इंटरनेशनल बाउंड्री को। ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम है ये इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्शन को प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्कूल, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कम्युनिटी सेंटर, कनेक्टिविटी, ड्रेनेज, और ये इनेबल करता है सस्टेनेबल लिविंग को बॉर्डर के एरियाज में। मकसद क्या था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएडीपी इज टू मीट द स्पेशल डेवलपमेंटल नीड एंड वेलबींग ऑफ द पीपल लिविंग इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड टू सैटुरेट द बॉर्डर एरिया विद द इंटायर इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल स्टेट बीएडीपी लोकल स्कीम एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच। जो मेन ऑब्जेक्टिव है बीएडीपी का वो पूरा करे स्पेशल डेवलपिंग नीड को और वेलबींग को पीपल का जो कि रह रहे रिमोट और इनएक्सेसिबल एरिया पे, जो कि सिचुएटेड है इंटरनेशनल बॉर्डर से और सैचुरेट करते हैं बॉर्डर एरिया को इंटायर इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कि कवर करता है सेंट्रल स्टेट बीएडीपी लोकल स्कीम और पार्टिसिपेटरी अप्रोच को। फंडिंग और स्कीम को कैसे कवर किया जाता है? तो जो फंड है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया जाता है स्टेट को 100% नॉन लैप्सेबल स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट के तौर पे, यानी जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा वो 100% रहेगा और ये जो फंड है ये नॉन लैप्सेबल स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।